आपको घर पर बड़े अच्छे फ्लफी दही बड़े बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने उड़द की दाल रात को भिगो दी थी, अब मैं इसको पीसूंगी। इसमें मैंने पीसते समय थोड़ा सा हींग मिला दिया था, उड़द की दाल बाई करती है इसलिए इसको मिला लेते हैं। अब हाथ में पानी लगा करके मैं इसका इसको बड़े की शेप दूंगी। आप चाहे तो इसको लंबा बना ले, चाहे तो इसको गोल बना ले। आप देख रहे हैं फ्लफी बन गए हैं ये। अब इनको मैं पानी में डालूंगी। पानी में डालने से पहले बड़े के लिए जो हम पानी लेते हैं उसमें हमें अच्छे से नमक डाल देना चाहिए। वो जब पानी सोखेंगे तो नमक भी इसमें चला जाए। और एक चीज और देखनी है, जब हम इसमें डालते हैं यदि हमारे बड़े तैर रहे हैं इसका मतलब बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं। अगर ये नीचे डूब जाते हैं, पानी सोखने के बाद तो डूब जाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि डूबते हैं तो हमें थोड़ा सा इसको हाथ से और फेंट लेना चाहिए। दही बड़े जो हैं ये भीग चुके हैं अच्छी तरह से, इनको मैंने आधा घंटा भिगोया। इसको मैं डाल दूंगी इसमें। और इस बीच मैंने इमली की चटनी, जो कि इमली मैंने पहले से भिगो रखी थी, गुड़ भी डाला। ये रही इमली की चटनी, गुड़ है इसमें और नमक मिर्च और भुना जीरा। ये है दही जिसको मैंने फेंट लिया। अब मिर्च भुना जीरा पिसा हुआ, अब मैं इसमें इसको दही से कवर कर देती हूँ। थोड़ी सी मिर्च स्वाद अनुसार, वैसे तो चटपटा ही पसंद आता है सबको, और भुना जीरा। लीजिए आपके दही बड़े तैयार है। दही बड़े तैयार है, आप खाइए और खिलाइए अपने घर वालों को और मुझे भी बताइए कैसे बने। और ये सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को पसंद आते हैं। आप भी बनाइए। और अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगी।